हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक काफी एक्टिव, स्मार्टेस्ट एंड एक बिल्कुल लॉयल डॉग ब्रीड के बारे में, जो है डोबरमैन। तो आप में से जो लोग भी एक इंटेलिजेंट, पावरफुल एंड एक नेचुरली गार्ड डॉग ब्रीड को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। सो दोस्तों, काफी लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो एक गार्ड डॉग ब्रीड को परचेज तो कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इन्हें कैसे ट्रेंड करें, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे गार्ड डॉग बन सके। तो इसी वजह से वो अच्छे गार्ड डॉग्स नहीं बन पाते और वो किसी भी स्ट्रेंजर्स के ऊपर बात तक नहीं करते। बट अगर आप लोग डोबरमैन को परचेज करते हैं, तो भाई ऐसे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और ना इन डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बिकॉज डोबरमैन नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं और इन्हें काफी अच्छे से पता होता है कि खुद को और अपनी फैमिलीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। डोबरमैन को ना ही तो ये पसंद होता कि उनके घर में कोई स्ट्रेंजर्स आए और ना ही उनके एरियाज में आने वाले कोई एनिमल्स उन्हें पसंद होते हैं। तो अगर आप लोग सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छी सी डॉग ब्रीड ढूंढ रहे हैं, तो भाई डोबरमैन आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड ये जो पपीज हैं, ये सभी के सभी लीवर टैन कलर में हैं। वैसे ओनर के पास सिर्फ ये तीन ही पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मेल और दो फीमेल्स हैं, और आज ये पूरे 30 डेज के हो चुके हैं। बाय द वे गाइस, सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज ये डॉग शो होने वाला है कोट कपूरा पंजाब में। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे गाइस, पपीज के मदर फादर की फोटो वीडियोस उन्होंने मुझे सेंड नहीं किए, तो प्लीज इन्हें परचेज करने से पहले उनकी क्वालिटी वगैरह जरूर चेकआउट कर लें। बट एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज कर रहे हैं, तो ये काफी एक्टिव डॉग ब्रीड है, तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हें आप लोग जरूर पूरा करें। और साथ ही साथ इन्हें अच्छे से सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है, तो आप लोग इन्हें कंस्टेंटली ट्रेन जरूर करें, ताकि आपके अच्छे कंपेनियन डॉग बन सकें। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के कुछ ही देर बाद आप लोग को रीपोस्टिंग की वीडियो भी मिलने वाली है, जिसमें आप लोग को बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ फ्री अडॉप्शन के भी। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई डोबरमैन काफी अग्रेसिव एंड काफी खतरनाक डॉग ब्रीड होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, ये हमेशा अपनी फैमिली और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये तो बात हुई डोबरमैन के कुछ फैक्ट्स की, तो अब बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। वैसे इनकी एज और लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अगर डिलीवरी के बारे में बात करें, तो भाई ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन्हें परचेज करने के लिए, तो डायरेक्ट ओनर के पास जाएं, इनकी क्वालिटी वगैरह चेक करके इन्हें परचेज करें। और फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई क्वालिटी पपीज की काफी अच्छी है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है, वो मेल की है 10,000 पीस, 10,000 रुपए, एंड फीमेल की है जस्ट 8,000 पीस, यानी सिर्फ 8,000 रुपए। तो अगर आप लोग पपीज की क्वालिटी को देखोगे, तो उसके हिसाब से प्राइस काफी डिसेंट है। तो आप लोगों को प्राइस कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।